Thank you.
मंडली में थोड़ा सुखान दे करुणा के चार छींटे करुणा निदान दे दो सभा के सभा अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी, मंच पर विराजमान स्वामी सचिदानंद जी, स्वामी एकांत जी और हमारे वरिष्ठ भजनोपदेशक महाशय बंसीराम जी और बहुत सुंदर कार्यक्रम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया वरिष्ठ ढोलक वादक भाई हरीश कुमार जी और बैंजो पर वादन कर रहे हैं भाई नरेंद्र कुमार जी और रसूलपुर आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी मेरे सामने विराजमान पितृतुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों गंगा के समान पवित्र मेरी मातृशक्ति राष्ट्र के दीपक दिवाकर होनहार बच्चों अगर दुखों से कष्टों से निवृत्ति मनुष्य चाहता है आत्मा चाहती है तो उसको परमपिता परमात्मा के पास में अवश्य ही जाना पड़ेगा चाहे वह वैदिक हो चाहे अवैदिक हो कष्ट तो अवैदिक में भी आते हैं और वैदिक में भी आते हैं तो उन कष्टों की निवृत्ति के लिए हमें परमपिता परमात्मा की शरण में वेद की शरण में आर्य समाज की शरण में और ऋषि दयानंद की शरण में निश्चित रूप से आना ही पड़ेगा और ये दुखों की निवृत्ति किस लिए नहीं होती इस संसार में तीन सत्ताएं हैं ईश्वर जीव और प्रकृति ईश्वर और जीव दोनों चेतन है और प्रकृति जड़ है जो सत रज तम तीन गुणों का एक संघात है उस संघात को परमपिता परमात्मा ने गति दे करके उसके देवता बना दिए 32 सत रज तम को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में स्थूल बना दिया अब बस दुनिया के लोग इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के चक्कर में पड़ रहे हैं कोई किसी को देवता बना करके पूज रहा है कोई किसी को देवता बना करके पूज रहा है और वास्तविक हमारे देवता क्या हैं और देवता परमपिता परमात्मा ने किस लिए बनाए हैं उनसे हमें कैसे उपकार लेना चाहिए उसकी पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए कौन सा देव हमारा उपासना के योग्य है कौन से देव हमारे पूजा के योग्य हैं कौन से देवता हमारे संगतीकरण के योग्य हैं ये सारी चीजें समझने के लिए हमें वेद आर्य समाज और परमपिता परमात्मा की शरण में निश्चित रूप से आना पड़ेगा एक गीत के माध्यम से बताता हुआ चलता हूं कि परमपिता परमात्मा ने किस प्रकार से 33 देवताओं को स्थूल आकार दिया है लोक गीत के माध्यम से बताता चलूंगा Thank you.
तो 33 देवताओं का नाम नहीं बता सकते। क्यों? इसलिए नहीं बता सकते कि हमने देवताओं के बारे में पढ़ा नहीं कि कौन देवता है। लोग बहुत से बतलाते हैं देवता 33 करोड़, होथम सुनते जइयो सब लगा लगा के जो देवता 33 करोड़, उथम सुनते जइयो सब लगा लगा पे जोड़। उथम सुनते जइयो सब लगा लगा पे जोड़, उथम सुनते जइयो सब लगा लगा पे जोड़। मिलके 11 रुद्र कहलाए